उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। संबोधन के जरिए कहा, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाई गई। प्रतापगढ़ में राजकुमारी रत्ना सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। स्वर्गीय दिनेश सिंह की बेटी हैं राजकुमारी रत्ना सिंह। सीएम योगी की जनसभा में राजकुमारी रत्ना सिंह रही मौजूद। सीएम योगी ने राजकुमारी रत्ना सिंह को दिलाई सदस्यता। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा। अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने तैयारियों का लिया जायजा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी रहे मौजूद। राम की पैड़ी और रामकथा पार्क का किया निरीक्षण। उधर लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री का सीएमओ को निर्देश। अजय प्रताप सिंह ने सीएमओ को दिए आदेश। अस्पतालों में साफ सफाई कराने के निर्देश। मरीजों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, जय प्रताप ने यह कहा है। और 102 108 एम्बुलेंस की बेहतर मॉनिटरिंग भी हो, ये भी कहा गया। अलीगढ़ जमालपुर अनूप शहर रोड बाईपास इल्मा पब्लिक स्कूल के द्वार हेलमेट सुरक्षा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रिक्वेस्ट करते हुए कहा गया कि आप सभी को हेलमेट लगाना जरूरी है। देवरिया में स्कॉर्पियो टेम्पो और मोपेड के बीच भिड़ंत। दो चचेरे भाई समेत 3 की मौत, 6 घायल। सलेमपुर मझौली पार मार्ग पर नदावार घाट का पूरा मामला। बिजनौर में स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते हुए कैमरे में कैद। प्राथमिक विद्यालय में बर्तन साफ करते हुए भी बच्चों की तस्वीरें आई सामने। झाड़ू और बर्तन साफ करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल। लूसी पार्कर गर्ल्स हाई स्कूल का पूरा मामला। हापुड़ में अवैध पटाखा गोदाम पर छापा लगा है। पुलिस ने पटाखों का जखीरा बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी ने घर को बना रखा था गोदाम। पटाखे बैन होने के बावजूद भी घर में रखे थे पटाखे। जसरूप नगर कॉलोनी का ये पूरा मसला। मुजफ्फरनगर के रोहाना में राज्य हाईवे 59 पर लगे टोल को भाकियों ने फ्री कर दिया है। भाकियों ने धरने पर बैठकर टोल फ्री कर दिया। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि हाईवे पर बने पुल का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया। जब तक जमीन का मुआवजा और फ्लाईओवर के निर्माण की बात साफ नहीं हो जाती तब तक टोल फ्री रहेगा। झांसी मंडल के कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने ललितपुर का दौरा किया है। कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की है। साथ ही साथ डीएम मानवेंद्र सिंह ने एटीएम के साथ नगर का भ्रमण भी किया। कमिश्नर ने सुरक्षा की दृष्टि से दुकानदारों को कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ नगरवासियों से मिलकर बिजली पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। ललितपुर में गार्गी शिक्षिका योजना कार्यक्रम किया गया। इस दौरान डीएम मानवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डीएम ने कहा कि पढ़ी लिखी बहुओं और बेटियों को गांव में ही सम्मान के साथ स्वावलंबन भी मिलेगा। वहीं गार्गी शिक्षा ने बताया कि महिला स्वावलंबन की तरफ बढ़ता कदम है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। विश्वविद्यालय कैंपस में सुरक्षाकर्मियों ने जुलूस के दौरान छात्रों और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों को रोक दिया, जिससे छात्रों की विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ललितपुर में अवैध देशी शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। आबकारी विभाग और पुलिस ने देशी शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ग्राम चीरा में छापेमार कार्रवाई भी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा देशी शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। उधर झांसी में पिछले दिनों लूट और स्नैचिंग ट्रेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी, जिनको गंभीरता से लेते हुए कासीपुरी थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि नेहरू पार्क के पास से 3 लोग सोने चांदी के जेवरात बेचने की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने गंभीर हालत में कराया भर्ती। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। बुढ़ाना में चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ हुई थी मुठभेड़। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।